नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं धोनी के बर्थडे पर विराट ने इस बारे में क्या कहा, इस पर आईसीसी ने धोनी को क्या सम्मान दिया इस बारे में, और पाकिस्तानियों के इस पर रिएक्शन के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो आज 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे था और इसी के साथ उन्होंने अपने जीवन के 38 साल भी पूरे कर लिए। उनका करियर काफी शानदार रहा। तो इस पर विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए माही को बर्थडे विश किया और लिखा, हैप्पी बर्थडे माही भाई, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट एंड आई एम ग्लेड टू हैव हैड द फ्रेंडशिप आई हैव विद यू फॉर सो मेनी ईयर्स। यू हैव बीन अ बिग ब्रदर टू ऑल ऑफ अस एंड एज आई सेड बिफोर यू विल ऑलवेज बी माई कैप्टन। यानी कि कुछ ही लोग होते हैं जो विश्वास और सम्मान का असली मतलब समझते हैं और आपके साथ फ्रेंडशिप होना काफ़ी खुशी की बात है। और इसमें यह लाइन, यू विल ऑलवेज बी माई कैप्टन, यानी माही को ही वे अपना कैप्टन मानते हैं। तो इसे विराट की महानता का भी पता चलता है और वे धोनी के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें कितना सम्मान देते हैं ये भी पता चलता है। ये तो थी विराट की बात। अब आईसीसी ने भी धोनी के बर्थडे पर कई सारे ट्वीट्स किए। उनमें से सबसे पहला था ये वाला ट्वीट। इसमें आईसीसी ने कहा है धोनी के बारे में, ए नेम दैट चेंज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, ए नेम इंस्पायरिंग मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब, ए नेम विद एन अनडिनाइबल लिगेसी, एमएस धोनी नॉट जस्ट ए नेम। तो इस पर कुछ पाकिस्तानी विध्वंसक लोग, जिनके बारे में आप सब भी जानते होंगे, इन्होंने ये लिखा है। एक ने लिखा है कि ए नेम दैट रिफ्यूज टू ट्राई टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड, ए नेम हु विल फेल अगेन इन द सेमीफाइनल, ए नेम हु इज जेलस ऑफ ए गाय कॉल्ड पंत। उसके बाद इन्होंने कुछ गालियां भी लिखी है। साथ ही इस आदमी ने लिखा है, ए मैन हु चीट्स हिज नेशन एंड फिक्स द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, प्रूवन फिक्सर इन आईपीएल, ए मैन हुज टीम गॉट बैंड फॉर 2 ईयर्स। अब इनके बारे में आप क्या कहना है? ये वे लोग हैं जो किसी के अचीवमेंट्स की प्रशंसा करने के बजाय उनमें सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं और उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। खैर, धोनी का इतना बड़ा नेम है कि इन लोगों की छोटी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों का, जो कि सही बात है पाकिस्तान को ही बदनाम करते हैं, के बारे में आपका क्या कहना है। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।